अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज दोस्तों, इस्तकबाल है आपका जेडकी डिजिटल स्कूल में। आज हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 35 का क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए। आपके सामने मैं यहाँ पर क्वेश्चन रीड करके बता रहा हूँ। यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन डिस्प्ले भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। अहमद चाचा बॉट 25,000 एट 12% पर एनम For a year, what amount will he have to return to the bank at the end of the year? अहमद चाचा ने यहाँ पे 25,000 amount लिए है 12% के हिसाब से, rate of interest है यहाँ पे 12%। उसको 1 year के बाद amount लौटानी है, तो total amount वो कितनी bank को यहाँ पे देने वाले है। तो आइए friends, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि principal amount हमारे 25,000 और यहाँ पे जो टाइम है वो है 1 year। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और यहाँ पे सबसे पहले हमको गेस करना है जो अमाउंट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देने वाले हैं वो एक्स परसेंट है। यहाँ पे निकालेंगे, फिर उसके बाद मेन अमाउंट के अंदर उसको हमको क्या करने का है, उसको एड करना है। तो यहाँ पे देखिए, लेटर इंटरेस्ट ऑन 25,000 बी एक्स परसेंट, यहाँ पे एक्स परसेंट हमने वो गेस किए। तो आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं एक्स अपॉन 25,000 इज इक्वल टू 12% है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 12% और फिर परसेंट हमेशा 100 में से निकाले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा 100। बोथ द साइड मल्टीपल बाय यहाँ पे 25,000 करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं x अपॉन 25,000 मल्टीपल बाय 25,000 इज इक्वल टू 12 अपॉन 100 मल्टीपल बाय 25,000। नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे 25,000 यहाँ पे रहेंगे, x इज इक्वल टू ये 20 यहाँ पे कट हो जाएंगे, उसके बाद आपको ये 12 मल्टीपल बाय 250 रुपीज यहाँ पे हमको करना है। अब यहाँ पे 12 का टेबल यहाँ पे हम पढ़ेंगे, 12 0 0 12 5 60 0 carry 6 12 2 24 plus 6 30। 12% के हिसाब से 1 year का यहाँ पे उसका जो इंटरेस्ट है ये है 3,000 रुपीज। तो यहाँ पे 1 साल का जो यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे उसको देना है वो 3,000 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो मेन अमाउंट है इसके अंदर उसको लिखना है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट भी ये थी 25,000 प्लस इंटरेस्ट है यहाँ पे 3,000। अब यहाँ पे 0 से ये अमाउंट जो उसकी टोटल यहाँ पे बैंक को लौटानी है ये है 28,000 रुपीज यहाँ पे बैंक को वापस करनी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए। आइए अब हम अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं।